लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लव गुरु, मेरे क्लास में एक लड़का है, वो जब भी क्लास में घुसता पता नहीं क्यों उसे देख के मैं स्माइल करती हूँ, वो भी स्माइल करता है, बट वी हैव नेवर टॉक्ड विद ईच अदर। आई डोंट नो कि वो मुझसे लव करता है या नहीं, बट उसको देख के अलग फीलिंग आती है मुझ में। मतलब अगर मैं कितनी भी सैड हूँ तो स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे, बट हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। देखिए, प्यार सिर्फ एक इंसान का एक रूप देख कर नहीं होता। प्यार के लिए एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी आपको समझनी होती है। एक इंसान की कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक इंसान की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं, एक इंसान आपको लेकर कभी कभार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करता है, मोहब्बत उनसे होती है। इस बारे में हम आए दिन बात करते हैं। तो ये जो है, ये जो आप महसूस कर रही हैं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और ये सब कुछ एक तरफा है। आप उनके बारे में नहीं जानती। आप इस चीज को समझिए कि आपके पास अभी एक तरीके का फायदा ये है कि आप दोनों एक जगह पर हैं। अगर एक क्लास में हैं तो एक दूसरे से बात करने के 100 तरीके के बहाने होते हैं। नोट्स एक्सचेंज करने के बहाने बात हो सकती है, कॉमन इंटरेस्ट्स आप लोगों के हैं उसके बहाने से बात हो सकती है, एक दूसरे से आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, सोशली एक दूसरे के साथ चैट्स एक्सचेंज करना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जरिए हैं जिससे आप एक आइस को ब्रेक कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि आपको डर बात करने में इसलिए लगता है क्योंकि जहन में मोहब्बत है, लेकिन जहन में मोहब्बत लेकर आगे मत बढ़िए। आप इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए कि वो इंसान आपको दूर से अच्छा लग रहा है, अब उसको करीब से जानना है, एज अ ह्यूमन बीइंग समझना है। और जेन्युइनली जब इस तरफ एफर्ट्स होंगे तब आपके सामने एक बहुत क्लियर पिक्चर होगी। अभी प्यार कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी माय फ्रेंड, सो गिव इट सम टाइम, ट्राई एंड बी अ गुड फ्रेंड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी।